युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगे और वह अपने पद से भ्रष्ट न हो, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। ये एक राज्य स्तरीय ओपन फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसमें प्रदेश से आई विभिन्न टीमें हिस्सा ले रही है। ये प्रतियोगिता मीर अकेडमी द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है जिसमें जीतने वाली टीम को कैश प्राइज भी दिया जाता है। ये जानकारी नवेद मीर ने मीडिया को दी। अभी तक इस प्रतियोगिता में 8 मैच आयोजित किए जा चुके हैं जिसमें टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही है। अधिक जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष नवेद मीर ने बताया कि इसका उद्देश्य हिमाचल के फुटबॉल खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारना है और उनकी ऊर्जा का सदुपयोग करना है ताकि युवा अपनी ऊर्जा का गलत उपयोग ना करें, उन्हें खेलों में व्यस्त रखा जाए। इसी उद्देश्य से वह प्रत्येक वर्ष फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। इस बार भी प्रदेश की 12 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है जिसमें सभी खिलाड़ी खेल भावना से भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों को आमंत्रित नहीं किया गया है ताकि हिमाचल के खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल सके। देखिए, जो हमारा मीरियंस फुटबॉल कप है 11 तारीख से शुरू हुआ था, 15 तारीख तक चलेगा। ये जो हमारा दूसरा मीरियंस कप हो रहा है, इस वाले टूर्नामेंट में जो 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें विभिन्न जिलों से टीमें आई है, अभी तक जो है 8 मैच खेले गए हैं। पिछले जो दो दिनों में जो हमारे मैच खेले गए हैं 8 मैच खेले गए और हमारा जो टूर्नामेंट है लीग कप नॉकआउट हो रहा है। आज हमारा लीग का आखिरी दिन है, इसके बाद जो अगला पड़ाव हमारा होगा सेमीफाइनल का होगा वो जो है कल होगा हमारा सेमीफाइनल और परसों हमारा फाइनल होगा। आज का जो पहला मैच खेला जा रहा है, अभी जो मैच हो रहा है मीर फुटबॉल अकेडमी वर्सेस कुमार हट्टी के बीच में हो रहा है जिसमें कि मीर फुटबॉल अकेडमी 3-0 की बढ़ोतरी पे है और कुमार हट्टी के लिए भी ये जो मैच है डू और डाई का है। यदि वो ये मैच हारती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और वो भी काफ़ी कश्मकश में लगे हुए हैं। यदि वो मैच को जीत जाते हैं तो हो सकता है वो सेमीज के लिए क्वालिफाई हो जाए। देखिए, ऐसा है कि जो मेरा टूर्नामेंट है इसमें मैक्सिमम जो है अपने हिमाचल प्रदेश के ही टीमों को पार्टिसिपेट करवा रहा हूँ, बाहर से कोई भी टीम मैंने नहीं रखी है। इसका रीज़न ये है कि हमारे जो है हिमाचल में एक्सपोजर की कमी है प्लेयर्स को, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हिमाचल के ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर आए, हिमाचल की ही टीम आए ताकि उनको थोड़ा एक्सपोजर मिले और हमारा जो है हिमाचल का फुटबॉल और डेवलप हो। इसके अलावा आपको पता ही है आजकल जो यूथ आ रहा है हमारा ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो रहा है और उन सब चीज़ों से भी बचाने के लिए हम ये इवेंट्स करवाते रहते हैं। इसमें हमारे पास नाहन, सुंदरनगर, कुल्लू, यहाँ सबकी टीमें जो है पार्टिसिपेट कर रही है। हमारा विनिंग प्राइज 31,000 का है और रनर अप प्राइज जो है 21,000 का है। युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगे और वह अपने पद से भ्रष्ट न हो, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। ये एक राज्य स्तरीय ओपन फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसमें प्रदेश से आई विभिन्न टीमें हिस्सा ले रही है। ये प्रतियोगिता मीर अकेडमी द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है जिसमें जीतने वाली टीम को कैश प्राइज भी दिया जाता है। ये जानकारी नवेद मीर ने मीडिया को दी। अभी तक इस प्रतियोगिता में 8 मैच आयोजित किए जा चुके हैं जिसमें टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही है। अधिक जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष नवेद मीर ने बताया कि इसका उद्देश्य हिमाचल के फुटबॉल खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारना है और उनकी ऊर्जा का सदुपयोग करना है ताकि युवा अपनी ऊर्जा का गलत उपयोग ना करें, उन्हें खेलों में व्यस्त रखा जाए। इसी उद्देश्य से वह प्रत्येक वर्ष फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। इस बार भी प्रदेश की 12 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है जिसमें सभी खिलाड़ी खेल भावना से भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों को आमंत्रित नहीं किया गया है ताकि हिमाचल के खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल सके। देखिए, जो हमारा मीरियंस फुटबॉल कप है 11 तारीख से शुरू हुआ था, 15 तारीख तक चलेगा। ये जो हमारा दूसरा मीरियंस कप हो रहा है, इस वाले टूर्नामेंट में जो 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें विभिन्न जिलों से टीमें आई है, अभी तक जो है 8 मैच खेले गए हैं। पिछले जो दो दिनों में जो हमारे मैच खेले गए हैं 8 मैच खेले गए और हमारा जो टूर्नामेंट है लीग कप नॉकआउट हो रहा है। आज हमारा लीग का आखिरी दिन है, इसके बाद जो अगला पड़ाव हमारा होगा सेमीफाइनल का होगा वो जो है कल होगा हमारा सेमीफाइनल और परसों हमारा फाइनल होगा। आज का जो पहला मैच खेला जा रहा है, अभी जो मैच हो रहा है मीर फुटबॉल अकेडमी वर्सेस कुमार हट्टी के बीच में हो रहा है जिसमें कि मीर फुटबॉल अकेडमी 3-0 की बढ़ोतरी पे है और कुमार हट्टी के लिए भी ये जो मैच है डू और डाई का है। यदि वो ये मैच हारती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और वो भी काफ़ी कश्मकश में लगे हुए हैं। यदि वो मैच को जीत जाते हैं तो हो सकता है वो सेमीज के लिए क्वालिफाई हो जाए। देखिए, ऐसा है कि जो मेरा टूर्नामेंट है इसमें मैक्सिमम जो है अपने हिमाचल प्रदेश के ही टीमों को पार्टिसिपेट करवा रहा हूँ, बाहर से कोई भी टीम मैंने नहीं रखी है। इसका रीज़न ये है कि हमारे जो है हिमाचल में एक्सपोजर की कमी है प्लेयर्स को, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हिमाचल के ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर आए, हिमाचल की ही टीम आए ताकि उनको थोड़ा एक्सपोजर मिले और हमारा जो है हिमाचल का फुटबॉल और डेवलप हो। इसके अलावा आपको पता ही है आजकल जो यूथ आ रहा है हमारा ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो रहा है और उन सब चीज़ों से भी बचाने के लिए हम ये इवेंट्स करवाते रहते हैं। इसमें हमारे पास नाहन, सुंदरनगर, कुल्लू, यहाँ सबकी टीमें जो है पार्टिसिपेट कर रही है। हमारा विनिंग प्राइज 31,000 का है और रनर अप प्राइज जो है 21,000 का है।